वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिक्रिएट करने वाले हैं द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स के ऑफिशियल पोस्टर को। और हाँ, सारी इमेजेस जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैंने ओरिजिनल पोस्टर से मिरर का फ्रेम कट आउट कर लिया। यही हमारा बेस होगा जिसमें हम बाकी एलिमेंट्स को फिट करेंगे। पोस्टर के लिए जो इमेजेस मैंने चूज़ की थी वो प्रोपोर्शंस, लाइटिंग और एंगल्स में ओरिजिनल से बहुत अलग थी। एग्जाम्पल के लिए ये पहली इमेज देखिए, काफ़ी डिफरेंट है हर एस्पेक्ट में, इसलिए मुझे इनको काफ़ी केयरफुली एडजस्ट करना पड़ा। और हाँ, इनिशियली मैंने एक लड़के की इमेज यूज़ की थी, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो बिल्कुल सूट नहीं हो रही थी, तो मैंने उसकी जगह एक और बेटर फिटिंग इमेज रिप्लेस कर दी। यही प्रोसेस हमेशा होता है जब रेफरेंसेस परफेक्ट ना मिल पाए। इमेजेस को सेट करने के बाद मैंने मिरर के क्रैक को मैन्युअली कट किया ताकि वो रियलिस्टिक लगे। उसके हिसाब से मैंने एक क्रीपी आई वाली इमेज भी प्लेस की। अब शुरू हुआ कलर मैचिंग का फेज। यहाँ मैंने अपने साइड में ओरिजिनल पोस्टर रेफरेंस रखा हुआ था ताकि हर स्टेप पे चेक कर सकूं कि हमारा रिक्रिएटेड पोस्टर कितना क्लोज आ रहा है। जैसे ही दोनों मेन इमेजेस का कलर करेक्शन कंप्लीट हुआ, मैंने फोकस शिफ्ट किया आई पर। सबसे पहले ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर से मैंने उसे रेड टिंट दिया, फिर थोड़ी शेडोज क्रिएट की। उसके बाद मैंने एक और इमेज यूज़ करके प्यूपिल को एडजस्ट किया ताकि वो ओरिजिनल पोस्टर के गोस्ट जैसा लगे। और थोड़ा और डेप्थ देने के लिए शेडोज और हाइलाइट्स केयरफुली ऐड किए। पोस्टर के मूड को मैच करने के लिए बैकग्राउंड में मैंने एक टेक्सचर ऐड किया। ब्लेंड इफ की मदद से मैंने इसे एडजस्ट किया और ह्यू एंड सैचुरेशन के थ्रू कलर भी मैच कर दिया। फिर मैंने एक ड्रॉप्स वाला टेक्सचर यूज़ किया ताकि मिरर पर वो रियलिस्टिक कंडेंसेशन इफेक्ट आए। उसे हल्का सा ब्लर करके और कलर ट्यून करके एडजस्ट किया। मिरर को ओल्ड और यूज्ड लुक देने के लिए मैंने एक और टेक्सचर अप्लाई किया, अगेन ब्लेंड मोड्स और कलर करेक्शन के साथ। इस पॉइंट पर मैंने नोटिस किया कि रेड आई थोड़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही थी। हॉरर पोस्टर में स्मूथनेस स्केरी नहीं लगती, टेक्सचर और रफनेस चाहिए होती है, इसलिए मैंने आई को कैमरा रॉ फिल्टर में ले जाकर टेक्सचर और क्लैरिटी फुल कर दी। ये एक इंस्टेंट क्रीपी ट्रांसफॉर्मेशन था। सेम प्रोसेस मैंने बाकी एरियाज में भी अप्लाई किया। स्टिल थोड़ा स्मूथनेस लग रहा था तो मैंने क्रैक्स का एक और टेक्सचर ऐड किया और वो इंस्टेंटली और ऑथेंटिक लगने लगा। अब लाइटिंग मिसमैच को सॉल्व करना था, क्योंकि हमने जो इमेजेस यूज़ की थी उनकी लाइटिंग ओरिजिनल पोस्टर से अलग थी, इसलिए मैंने बैकग्राउंड और शेडोज़ को थोड़ा एडजस्ट किया ताकि सब एलिमेंट्स एक ही फ्रेम में नेचुरल लगें। उसके बाद हाइलाइट्स ऐड किए, टाइटल प्लेस किया और फाइनली एक बार सब पे ओवरऑल कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई किया, जिसमें थोड़ा एक्सपोजर, कंट्रास्ट और फिनिशिंग टच दिए। और बस हमारा रिक्रिएटेड कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स पोस्टर रेडी हो गया। तो गाइस, आप बताइए क्या मैं ओरिजिनल के क्लोज एक सिमिलर पोस्टर रिक्रिएट कर पाया या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग।